चलिए दोस्तों, मैं नरेन वशिष्ठ आज की इस वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन को चंद्रदेव के बहुत ही दुर्लभ और सिद्ध वैदिक मंत्र से शुरू करते हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे क्योंकि आज सोमवार है। उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम इमं देवा असपत्न गुम सुवद्वम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजा इंद्रस्येन्द्रियाय इमम मुख्या पुत्रम मुख्यै पुत्रमस्यै विष एक वोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणान गुम राजा ओम चंद्रमसे नमः। दोस्तों, आज की सबसे पहली और हाईली इफेक्टिव मास्टर टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी की। जैसा कि मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूं कि न्यूमरोलॉजी का अर्थ सिर्फ जन्म तिथि के नंबर्स को जमा घटा गुना भाग करना ही नहीं है। हमारे से जुड़े हुए, यूनिवर्स से जुड़े हुए नक्षत्राज, डायरेक्शंस, दिशा, समय, तिथि, वार, इन सब को भी प्रयोग में ला करके हम लोग प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा मैजिक सूत्राज का कोर्स किया है, प्रश्न सूत्राज का कोर्स किया है, उन लोगों को तो शायद ये टेक्निक का यूज करना आता होगा, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैजिक सूत्राज का कोर्स नहीं किया। तो ये मेरी फेवरेट है, मास्टर टेक्निक है। चलते चलते ट्रेन में, बस में, कहीं गए हुए हैं, घर बैठे बैठे आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि आपको बड़े ही पवित्र मन से इसको करना है। मैं आपको जैसे कि बार बार आपको बताता भी रहता हूं कि ना तो 100% लॉजिक काम करता है, ना 100% मैजिक काम करता है, ये कॉम्बिनेशन है। शास्त्रों में लिखे हुए दुर्लभ सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव मास्टर फॉर्मूला आज का, पहले मैं उसका संस्कृत में उच्चारण करूंगा, उस सूत्र का, उस फॉर्मूला का, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ उसको यूज करना सिखाऊंगा और आप भी उसको ग्रहण करेंगे, यूज करेंगे, तो मैजिकल रिजल्ट, आप मैजिकल प्रिडिक्शन आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। दिशा प्रहर संयुक्ता तारका वार मिश्रिता अष्टभिस्तु परेत भागम शेषम प्रश्नश्च लक्षण पंच के त्वरिता सिद्धि षट तुरीय दिनत्रयम त्रिसप्त के विलंबश्च दौ शून्यौ नहि सिद्धितौ। इसका अर्थ ये है, दिशा प्रहर संयुक्ता, जब भी आपसे कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर कोई सवाल पूछने के लिए आएगा, तो आपको ये नोट करना है कि उनका फेस किस डायरेक्शन की तरफ है। मैं आपको बताऊंगा कि किस डायरेक्शन की तरफ फेस होने से हमारे को क्या नंबर नोट करना है। हर डायरेक्शन के लिए एक नंबर दिया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? पहले मैं आपको इसको समझा दूं, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके स्लाइड पे मैं आपको सिखाऊं। दिशा प्रहर संयुक्ता, यानी दिशा को, दिशा के नंबर को, प्रहर, हमारे पास 8 प्रहर रहते हैं, 24 आवर्स में 3 आवर का एक प्रहर रहे। संयुक्ता, संयुक्ता का मतलब है उसको जोड़ लेना, ऐड कर लेना, दिशा प्रहर संयुक्ता। तारका, तारका का मतलब है स्टार, नक्षत्र। वार यानी डे ऑफ वीक। मिश्रिता, मिश्रिता का अर्थ भी होता है उसको जोड़ ले। दिशा प्रहर संयुक्ता तारका वार मिश्रिता, इन सब को जब आप जोड़ लेंगे, चारों को, दिशा को, प्रहर को, तारका को और वार को, अष्ट भिस्तु परेत भागम, 8 से भाग कर दीजिए, शेषम प्रश्नश्च लक्षण, जो भी शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो क्लाइंट के सवाल का जवाब होगा जो वो अपने मन में लेके आया है। देखिए कितना खूबसूरत फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला का यूज करके
क्लाइंट के बताए बिना ही, क्लाइंट के कहे बिना ही आप ये जान पाएंगे कि इसके मन में जो भी सवाल है उसका समाधान कब होगा, एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में होगा या नहीं। ठीक है, दिशा प्रहर संयुक्ता तारकावार मिश्रिता अष्ट भिस्तु प्रेत भागम शेषम प्रश्नश्च लक्षण। अब मैं आपको स्लाइड यूज करके मैं दिखाऊंगा आपको। स्लाइड आप सबको विजिबल है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने 27 नक्षत्राज के नाम और उनके सामने उनके नंबर लिखे। सबसे पहला अश्विनी है, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, इसी तरह से लास्ट में रेवती नक्षत्र जिस नक्षत्र में मैं पैदा हुआ। ठीक है, ये आप इनके नंबर्स को नोट कर लेंगे, ये नोट्स में भी आपके पास है। ये 8 प्रहर के नाम दिए गए हैं, 4 प्रहर दिन के रहेंगे और 4 प्रहर रात के। जो दिन के प्रहर होंगे वो सूर्य उदय से शुरू हो जाएंगे, पूर्वान्ह, मध्यान्ह, अपरान और सायंकाल। ऐसे ही रात के जो प्रहर रहेंगे प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा, ये 8 प्रहर टोटल 4 दिन के और 4 रात के रहेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है। अब दिशा का नंबर आप नोट कर लेंगे, ये मैंने इसके लिए स्लाइड में नहीं लिखा है, आप लोग नोट करेंगे दिशा का नंबर। अगर क्लाइंट का फेस पूर्व दिशा की तरफ है, क्लाइंट का फेस पूर्व दिशा की तरफ है तो 1 नंबर हम देंगे। पश्चिम दिशा की तरफ है तो 3 नंबर लेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ है तो 2 नंबर लेंगे और उत्तर दिशा की तरफ है तो 4 नंबर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम नंबर ले लेंगे। और फिर प्रहर आपको पता ही है, अगर कोई सवेरे 8 बजे आपके पास आया आपसे सवाल पूछने के लिए तो जनरली 6 से 9 बजे तक, सूर्योदय 6 बजे के आसपास हो जाता है, तो 6 से लेके और 9 बजे तक प्रथम प्रहर ही रहेगा, तो 1 नंबर आप लिख लेंगे। किसी भी ऐप से, एस्ट्रोसेज वगैरह ऐप से आप देख लेंगे कि उस दिन नक्षत्र कौन सा चल रहा है। सपोज 14th नक्षत्र चल रहा है तो 14 नंबर आप लिख लेंगे। पहला नक्षत्र चल रहा है 1 नंबर लिख लेंगे। 27वां चल रहा है रेवती तो 27 नंबर। डे ऑफ वीक ये सोमवार से शुरू होगा, सोमवार को हमारे को 1 नंबर लेना है बढ़ते हुए क्रम में। मंगलवार 2 रहेगा, बुधवार 3 रहेगा, गुरुवार 4 रहेगा, ऐसे। तो यहाँ पर 3 नंबर लिखा है एग्जांपल के लिए, तो इसका अर्थ ये है कि उस दिन बुधवार है जिस दिन क्लाइंट ने हमारे से सवाल पूछा है। अब मैंने इनको सबको टोटल कर दिया, संस्कृत के फॉर्मूला पे आप मत जाइए, बस सिंपली इसको आप देख लीजिए। ठीक है, 19 नंबर हमारे पास आया। अब आपको क्या करना है कि अगर इसमें हमारे को इसको 8 से डिवाइड करना है, 8 से भाग देना है, रिमाइंडर अगर 5 या 1 बचे, ध्यान से सुनिए, रिमाइंडर अगर 5 या 1 बचता है शेष, तो जो भी सवाल क्लाइंट आपसे पूछने के लिए आया है उसका तुरंत समाधान उसको मिलने वाला है। अगर 6 या 4 में से कोई रिमाइंडर आता है तो 3 दिन में उसको उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा 3 दिन। और 3 और 7 अगर रिमाइंडर आता है तो जो भी मनोकामना वो चाहता है पूर्ण करना उसमें विलंब है, उसमें डिले होगा।
और दो और शून्य है तो ज्यादा विलंब होगा, संभावना कम है उसके पूरा होने। ठीक है,